नमस्कार, मैं रमेश शर्मा स्वागत करता हूं आपका जीवन उत्साह न्यूज पर। हम हमेशा प्रयास करते हैं कि लोगों की छोटी छोटी समस्याएं प्रशासन तक उन बातों को पहुंचाया जाए और जो लोगों को सुविधाएं मिलने चाहिए उनके ऊपर विभाग का ध्यान लाया जाए। आज हम इसी सिलसिले में आए हैं चीफ मेडिकल ऑफिसर हमीरपुर के। मैम, यहाँ पर एक हिम कार्ड को लेकर लोगों के अंदर बहुत सा असमंजस रहता है, लोग डाउट में रहते हैं जो सरकार ने बनाए हैं। ये हिम कार्ड, हिम केयर कार्ड जो बनाए जाते हैं, इनका क्या फैसिलिटी है लोगों को? क्या ये प्राइवेट अस्पताल में भी काम करते हैं या क्या इनका क्राइटेरिया है? हिम कार्ड ये हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च एक स्कीम है। इसके अंदर हेल्थ इंश्योरेंस में हर व्यक्ति को कवर करने का बेसिकली प्रावधान है जी। इसमें हिम कार्ड ने तीन, इसको वैसे रफली अगर बोले तो इसको तीन कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है। पहली कैटेगरी है जो आपके आयुष्मान कार्ड से बीपीएल बेनिफिशियरीज छूट जाते हैं जी। जिनको बीपीएल में आयुष्मान में नहीं मिला है बट वो गरीब हैं, रेड़ी फड़ी वाले हैं और कोई है जो आयुष्मान के बीपीएल रेखा में नहीं है बट दे आर पुअर, तो उनको सबसे पहले हिम केयर में कार्ड एनरोलमेंट की है और उनकी उसमें फीस जीरो है। एट जीरो, जैसा कि आयुष्मान का प्रोविजन है वैसे ही जीरो फीस पर वो वहां एनरोल होंगे जी। इसके बाद आती है सेकंड कैटेगरी। सेकंड कैटेगरी है उन लोगों की जो कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज हैं, आशा वर्कर, आंगनवाड़ी वर्कर, हेल्पर्स, एकल नारी, मतलब ऑल दोज थोड़े से जिनको जो आर्थिक तौर पर पिछड़े हुए जी। उनके लिए हमारे यहाँ एज पर गवर्नमेंट गाइडलाइंस हमने 365 रुपए का पर कार्ड इशू करने की फीस रखी हुई है गवर्नमेंट ने जी। एंड थर्ड कैटेगरी आती है, एवरीबडी कैन एनरोल इन दैट एक्सेप्ट यू आर नॉट इन गवर्नमेंट जॉब जी। आपको गवर्नमेंट से पैसा रिवर्स नहीं हो रहा है जी। और आप मतलब बाकी आप मतलब कोई भी है, एनीबडी कैन एनरोल, उसका 1080 रुपए फीस है जी। और एक साल की वैलिडिटी है, एक साल के बाद उसको रिन्यू करवाना होता है जी। और सबसे बड़ी बात है इसमें सबसे बेनिफिट तो ये कि 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस कवर है, दैट इज अ बिग अमाउंट बेसिकली। और जब हमारे मुख्यमंत्री इतना अच्छे से इसको, एंड उनकी भी एक्सपेक्टेशंस है कि ये स्कीम बहुत अच्छे चले, एंड आई कैन टेल यू कि अभी तक हमारे पास हमने कोई 39 लाख के आसपास के क्लेम हम हिम केयर में कर चुके हैं जी। जो लोग एनरोल हो चुके हैं और जिन लोगों ने सर्विसेज लेनी शुरू कर दी हैं वो अराउंड आप 40 लाख रख लो, 40 लाख के आसपास की फिगर है जो हम क्लेम्स रेज कर चुके हैं। तो द स्कीम इज गोइंग वेल बेसिकली। तो इट इज वैलिड इन प्राइवेट हॉस्पिटल आल्सो और नॉट ओनली फॉर द प्राइवेट हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कर सकते हैं? इट इज वैलिड इन ओनली दोज प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो एम्पैनल्ड है, जो पैनल में है, जो एम्पैनल्ड है। तो इसकी पैनल की जो लिस्ट है, इसके लिए एम्पैनलमेंट लिस्ट नहीं, इसके लिए एम्पैनलमेंट करवानी चाहिए। एनीबॉडी, एनी हॉस्पिटल हु वॉन्ट्स टू एनरोल इन हिम केयर और आयुष्मान वो ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। वी हैव ए प्रोविजन फॉर इट, ऑनलाइन अप्लाई कीजिए और वहाँ से फॉर्म जनरेट होता है और उसमें जो बेसिक चीजें मांगी गई हैं, 2-3 थिंग्स असेंशियल्स हैं उसमें, वो डाल के देन द प्रोसेस इज फर्दर कैरीड आउट। और जितने हम तो चाहते हैं कि मैक्सिमम लोग इसका बेनिफिट लें, और मेरी तो ये रिक्वेस्ट भी रहेगी, प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स से भी रहेगी आपके माध्यम से, कि ज्यादा से ज्यादा लोग हिम केयर में एनरोल हो ताकि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को बेनिफिट दे सके जी। मैम, इसमें एक सवाल और निकल के आ रहा है, जैसे कि प्रेग्नेंट होती है लेडी तो क्या उसके लिए भी इस कार्ड की फैसिलिटी ली जा सकती है? प्रेग्नेंट लेडी के लिए ऐसा है ना कि वैसे ही हम सब कुछ फ्री दे रहे हैं जी। राइट फ्रॉम प्रेग्नेंट, द मोमेंट शी इज प्रेग्नेंट, तब से लेके डिलीवरी तक एंड आफ्टर डिलीवरी ऑल्सो 42 डेज तक प्रेग्नेंट लेडी के टेस्ट, ट्रांसपोर्टेशन खर्चा, आने जाने का खर्च, मतलब जो भी उसकी ट्रांसपोर्टेशन है, डिलीवरी, अल्ट्रासाउंड, एवरीथिंग, हम मतलब गवर्नमेंट इज बेयरिंग ऑल दीज थिंग्स एट इट्स ओन। तो सब कुछ ही तो हम फ्री दे रहे हैं। और डिलीवरी के बाद बच्चे को, मैंने जैसा कि पहले बताया, एक फ्री बेबी, एंड दैट बेबी किट इज नॉट वेरी इनएक्सपेंसिव, मैं बोलूंगी काफी कॉस्टली है जो बेबी किट बच्चे को दिया जा रहा है। तो बेबी किट हम यहाँ बच्चे को दे रहे हैं और मोर ओवर बच्चे को पैदा होने से लेके एक साल तक जितनी भी उसको फैसिलिटीज चाहिए बच्चे को, वेदर इट इज डायग्नोस्टिक, वेदर इट इज ट्रीटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, जो भी है, तो वो बच्चे को भी हम फ्री प्रोवाइड करवा रहे हैं इन ऑल अवर इंस्टीट्यूशन। एंड इट्स गोइंग, मेरे हिसाब से तो ये ठीक चल रहा है। बाकी आपकी वेलविशन है। आपके माध्यम से सोसाइटी के लिए
कोई स्पेशल मैसेज जो मेडिकल से संबंधित रखता हो, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की फैसिलिटीज को लगता है, जो आपको लगता है कि लोगों तक पहुंचना चाहिए, कुछ बताना चाहेंगे आप? सबसे बड़ा तो आज का जो एक इशू है वो हिमकेयर कार्ड और आयुष्मान है जी। आई एम कॉन्सेंट्रेटिंग मैक्सिमम ऑन दैट कि हमारे ज्यादा से ज्यादा कार्ड बने, हिमकेयर के कार्ड बने। आयुष्मान के तो जो बेनिफिशियरी हैं वो रहेंगे जी। बट इसके साथ साथ हिमकेयर में ज्यादा लोग जुड़े ताकि हम ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट दिला सकें। और इसके लिए गवर्नमेंट ने हमारे लोक मित्र केंद्र आइडेंटिफाई किए हैं जी। तो हमने अपने आशा के माध्यम से ये रिक्वेस्ट अपने आशा को उस ढंग से उनको किया है कि दे विल ब्रिंग द बेनिफिशरीज टू द लोक मित्र केंद्र। जिस भी गांव में है वहां लोक मित्र केंद्र में जाएंगे और वहां उसमें रजिस्टर करवाएंगे। बहुत ज्यादा फॉर्मेलिटीज नहीं है, उसको अपना आधार, राशन, ये दो चीजें लेके जानी है जो अपने आईडी प्रूफ होते हैं। बाकी बहुत ज्यादा चीजों की भी जरूरत नहीं है। और एक तीसरा एक है यूडीआईडी, एक नया प्रोजेक्ट चला है, यूनिक डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट। जिन लोगों को जो बस में ट्रेवल करते हैं, जिनको जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट इशू हुए हैं वो लोग ऑफलाइन थे पहले आज तक जी। तो मेरा आपके माध्यम से एक मैसेज ये भी रहेगा कि जिन जिन लोगों के वो कार्ड इशू हुए हैं टिल डेट जी, वो उनको ऑनलाइन करवा लें। Okay. क्योंकि ऑनलाइन करवा देंगे तो हम ऑनलाइन के माध्यम से उनको एक कार्ड जनरेट करके दे देंगे। हमारे यहाँ स्टार्ट हो गया है प्रोसेस और थ्रू आउट इंडिया कहीं भी वो वैलिड रहेगा। ट्रीटमेंट एंगल से भी, ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी, हर चीज के लिए उसकी बेनिफिट है जी। तो ये है हमारा यूडीआईडी का। इसमें भी हमारे मतलब अगर जिला हमीरपुर के अगर 5,000 4,500 या 5,000 के बीच अगर बेनिफिशरीज हैं, इस तरह के लोग हैं जी, तो हम 50% को तो ऑलमोस्ट टच कर रहे हैं। मेरा स्टाफ दे आर वर्किंग हार्ड फॉर इट, वेलफेयर डिपार्टमेंट से भी डाटा कलेक्ट कर रहे हैं और उनके माध्यम से मिलके। और तीसरी चीज ये कर रहे हैं कि आगे को जो कार्ड जनरेट हो, आगे को जो फर्दर, जैसे सैटरडे को, हर सैटरडे को कार्ड में या डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट दिए जाते हैं, इशू होते हैं, दे विल बी ऑनलाइन। उसके लिए पहले उनको जो आप जो लोग आते हैं उनको मेरा एक मैसेज ये भी है कि पहले अपना परफॉर्मा जनरेट करवा लें ऑनलाइन। ऑनलाइन परफॉर्मा जनरेट हो जाएगा, इट विल बी इजी फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑल्सो, फॉर द कॉलेज ऑल्सो, सभी के लिए आसान होगा कि वो उसको ऑनलाइन ही, फिर आगे से आगे तो हमारा ऑनलाइन तभी हुआ और तभी हमने ऑनलाइन जनरेट करके दे दिया, ये हो जाएगा। पर जो बैकलॉग है उसको हम निकाल रहे हैं। तो ये जो है वो परफॉर्मा लोक मित्र केंद्र पे ही हो जाएगा? नहीं, ये इसकी साइट है, वेबसाइट। अच्छा, इसकी वेबसाइट पर। अगर वेबसाइट पे कोई व्यक्ति इतना जागरूक नहीं होता है तो वो हमारे ऑफिस में आके, सीएमओ ऑफिस में आके नहीं पूछ सकते हैं कैसे करवाना है। एंड वट एवर हेल्प दिस ऑफिस कैन गिव, हमेशा ऑफिस वाले लोग जी। बहुत बहुत धन्यवाद जी। और तीसरा एक इशू और रह गया मेरा, क्योंकि हमारी डायरिया फोर्टनाइट आने वाली है जी, 24 जून से लेके 8 जुलाई तक डायरिया, 15 दिन का हमारा डायरिया फोर्टनाइट है। इसमें हमारे आशा वर्कर्स के थ्रू हम ORS के पैकेट घर घर बंटवाते हैं ताकि गर्मियों में किसी को टटिया उल्टियां ना लगे जी। हर फैमिली में एक एक पैकेट बांटा, जहाँ बच्चे हैं 0 से 5 साल के बच्चे हैं, एक एक पैकेट बांटा जाता है। और जहाँ कोई डायरिया का केस मिलता है हमें, वहाँ हम 2 पैकेट देते हैं। और उसके साथ आशा उनको होममेड फ्लूड बाकी सारी चीज़ें बताएगी, और उनको रेफरल की जरूरत होगी तो आशा उनको घर नियरेस्ट इंस्टीट्यूशन में जाने की भी वो सलाह देगी। एक तो ये है, पर इसके साथ साथ एक मेरा एक मैसेज ये है कि डायरिया हो ही ना जी। ये आजकल जो सीजन चला है, ये जो मक्खी मच्छर का सीजन है, इसमें थोड़ा हैंड वॉशिंग पर ध्यान दिया जाए जी। जो हम सरकारी स्कूलों में हर जगह हम हैंड वॉशिंग के स्टेप्स बता रहे हैं जी। बिना हाथ धोए, शौच जाने से पहले, शौच के बाद, खाने से पहले, मतलब यू मस्ट वॉश योर हैंड्स। और हाथ धोने की एक प्रॉपर विधि है, उसको अपनाया जाए और अपनी एनवायरनमेंट को साफ रखा जाए। सबसे ज़रूरी है कि अपनी एनवायरनमेंट को, सैनिटेशन पर ज़्यादा, स्वच्छता पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। और अगर स्वच्छ होंगे तो मैं समझती हूँ कि मक्खी तो क्या, मच्छर भी नहीं पनपेंगे। और अगर मच्छर नहीं पनपते हैं तो ये डेंगू, मलेरिया, ऐसी ऐसी बीमारियों से हमारा जो ज़िला है वो थोड़ा सेफ हो सकता है, प्रोवाइडेड कि हम अपने आप से कुछ प्रिकॉशंस बरतें जी। बाकी हमारे लेवल पर, जो डिपार्टमेंट के लेवल पर जो एक्टिविटीज़ होनी है वो चल रही है,
इट इज़ ए कंटिन्यूस प्रोसेस. इन महीनों में हम और भी जागरूक हो गए हैं कि कहीं कुछ ऐसा ना हो कि कोई ऐसे केसेस हमें मिलने लगे. तो उसके लिए हमने अपनी एक्शन प्लान एडवाइजरी इशू कर दी है. डीसी साहब के साथ मीटिंग कर चुके हैं. हमारे अपने सारे चैनल चले हुए हैं, बट इसके साथ साथ हम चाहते हैं कि इसमें पब्लिक इन्वॉल्वमेंट जी. पब्लिक अगर इन्वॉल्व होगी तो हम थोड़ा और बेटर हेल्थ सर्विसेज दे पाएंगे जी. आप बने रहिए इसी तरह से और जागरूक रहिए. कैमरामैन चंदेश कुमार के साथ में मैं रमेश शर्मा, जीवन उत्साह न्यूज से. थैंक यू वेरी मच.